7 6 5 4 3 2 1 0 +1। दोस्तों, इसरो ने एक बार फिर से अपना डंका बजवा दिया है। इसरो ने लॉन्च कर दिया है सिंगापुर के 3 सैटेलाइट और हर मौसम में किसी भी वक्त तस्वीर लेने वाला ये सैटेलाइट है, जिससे आपको बता दें चाइना और पाकिस्तान के सीमाई इलाके में अब उनकी बड़ी ही आराम से जासूसी की जा सकती है। इसरो के लिए पहले तो एक लाइक कर दीजिए दोस्तों, क्योंकि ये जिस तरीके से इसरो ने डंका बजवाया है चाइना और पाकिस्तान में हड़कंप मच गया है। दरअसल भारतीय अनुसंधान अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो ने गुरुवार को अपना महत्वाकांक्षी मिशन PSLV C-53 के तहत सिंगापुर की 3 सैटेलाइट को लॉन्च कर दिया है। PSLV C-53 का दूसरा समर्पित वाणिज्यिक मिशन है और यह प्रक्षेपण आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में स्थित सतीश धवन स्पेस सेंटर के दूसरे लॉन्च पैड पर किया गया है और ये PSLV का 56वां मिशन है। दरअसल इस मिशन के तहत खास उपग्रह भी लॉन्च किया गया है और ये उपग्रह किसी भी मौसम में तस्वीरें लेने में सक्षम है। PSLV C-53 इसरो के कॉरपोरेट आर्म न्यूरोस्पेस इंडिया लिमिटेड यानी NSIL का दूसरा महत्वाकांक्षी मिशन है। जानकारी के मुताबिक प्रक्षेपण के 18 मिनट बाद सिंगापुर की 3 सैटेलाइटों को उनके कक्षा में स्थापित करने के लिए लॉन्च कर दिया गया। अंतरिक्ष एजेंसी ने इससे पहले एक ट्वीट में बताया था कि PSLV C-53 मिशन 30 जून 2022 को भारतीय समयानुसार 6 बजे होने वाले प्रक्षेपण की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। वहीं पिछले दिनों हैदराबाद के ध्रुव स्पेस प्राइवेट लिमिटेड और बेंगलुरु के दिगंतारा रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड के पेलोड को भी गुरुवार को अंतरिक्ष में भेजा गया। ध्रुव स्पेस के प्रौद्योगिकी प्रदर्शन पेलोड ध्रुव स्पेस सैटेलाइट ऑर्बिटर डिप्लॉयर और दिवंगतारा के प्रोटॉन डोजोमीटर पोलैंड रोबास्ट का परीक्षण किया गया है। दरअसल अब समझ लीजिए इसका मेन काम है और चाइना और पाकिस्तान को झटका कैसा लगा है। दरअसल दोस्तों आपको बता दें, इससे क्या होगा कि देश भर में चाहे मौसम ख़राब हो, रात हो, दिन हो, कहीं की भी किसी भी तरीके की कोई भी तस्वीरें सैटेलाइट के जरिए बाकायदा कैप्चर की जा सकती है और बाकायदा भारतीय वैज्ञानिकों की द्वारा कैप्चर किए गए इस तस्वीर को भारतीय सेना बड़े ही आराम से काम कर सकती है। मसलन आपको बता दें, सीमाई इलाकों में कौन कहां से किस प्रकार से घुसपैठ कर रहा है, सीमाई इलाकों में कौन कहां से कितने लॉन्चिंग पैड बनाया हुआ है, चाइना कितनी अंदर घुसने की कोशिश कर रहा है और चाइना सीमाई इलाकों में कौन कौन से पुल का निर्माण कर रहा है, पाकिस्तान कौन से कंस्ट्रक्शन कर रहा है POK में, वो सारी चीज़ें जो हैं अब इसके ज़रिए अच्छे से ऊपर से देखी जा सकती हैं और वो भी दोस्तों पूरी जूम करके, यानी एक तरीके से जूम करके पूरा क्लियर पिक्चर जैसे कैमरे में कैद किया जाता है उस तरीके से आएगा और वो भी हर मौसम में, चाहे धुंधला मौसम हो, चाहे युद्ध का मौसम हो और कभी कभी धुएं का गुम्बार हो जाता है, उस सिचुएशन में भी दोस्तों नीचे क्या कुछ हो रहा है वो सारी चीज़ें जो है वो कैप्चर करने में सक्षम है। ऐसे में आपको बता दें, इसरो के इस मिशन और इसरो के इस कारनामे के बाद चाइना में तो भाई हड़कंप मच गया है। चाइना वालों को अब समझ नहीं आ रहा है कि करे तो करे क्या, क्योंकि चाइना पूरी तरीके से कन्फ्यूजन वाली सिचुएशन में बना हुआ है और चाइना आपको बता दे, अगर बात करें तो नज़दीकी इलाकों में बड़े पैमाने पर सबसे ज़्यादा कंस्ट्रक्शन का काम जो है वो चाइना ही कर रहा है, यानी हम कह सकते हैं कि चाइना का भी कंस्ट्रक्शन अब भारी पड़ रहा है, खास करके तमाम उन सैटेलाइटों को भारी पड़ गया है। सैटेलाइटों ने जिस तरीके से लॉन्च कर दिया है अब भारी पड़ रहा है चीन पर और अब किसी भी मौसम में किसी भी वक्त अरुणाचल प्रदेश से लेकर के लद्दाख से लेकर के POK से लेकर के तमाम जगहों की पिक्चर्स जो है वो अच्छे से कैच किया जा सकता है। तो ये एक बड़ी खबर निकल के आ रही है। फिलहाल दोस्तों बड़ी बिग ब्रेकिंग में इतना ही। पल पल के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब। 7 6 5 4 3 2 1 0 +1 +5 seconds. Stop normal. P1 tracking. P3 tracking. P2 tracking. PSLV C-53 परफॉर्मेंस सफलतापूर्ण उत्थापन अभी हमने देखा। गर्जना करता हुआ PSLV C-53 आकाश में, आप देख सकते हैं कितना साफ नजारा है, बहुत ही रोमांच भरा नजारा। That's a marvelous lift.